सारे भाग गए। पिताश्री, यदि आप अनुमति दें, मैं पवन देव को भी पिता कहकर पुकारूंगा। पवन देव तो सारी सृष्टि को प्राण देने वाले हैं। यदि ये एक पल को भी बहना बंद कर दें, तो बिना श्वास के कोई भी जीवित ना रहे। और इन्होंने तो तुम्हें अमोघ शक्तियां प्रदान की हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं धन्य हुआ पुत्र, मैं प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखने आता ही रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्र, अपनी माता को भी सांत्वना दो, वो बहुत चिंतित होंगी। हाँ पिताश्री। सब राक्षस भाग गए। पुत्र, माता धन्य हुई, तू तो जन्म लेते ही माता पिता का रक्षक बन गया, माता को सेवा का अवसर ही नहीं दिया। नहीं माता, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा कराने नहीं। माता एक बात पूछूं? हाँ पुत्र पूछो। माता, ये श्रीराम कौन है और कहाँ है? पुत्र, ये नाम प्रथम बार मैंने तुम्हारे ही मुख से सुना है, ये तो तू ही बता सकता है कि ये नाम तूने कहां से जाना। हमने तो अभी तक तेरा नामकरण नहीं किया। माता, मेरे हृदय में एक ज्योति सी जल रही है, उसमें एक सुंदर सा रूप है, एवं वहीं पर एक ध्वनि सुनाई दे रही है, राम राम राम। माता, ये श्री राम कहाँ होंगे? पुत्र, तेरे हृदय में जो प्रकाश है, एक दिन वो प्रकाश स्वयं आकर तुझसे मिलेगा। मैं तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाते। माता, देखना, एक दिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। अवश्य पुत्र। माता, आप मुझे तब तक किस नाम से पुकारेंगी? मैं आपका पुत्र हूँ, आप ही एक नाम दे दीजिए। पुत्र, जन्म लेते ही तूने जो चमत्कार दिखाया है, जो वज्र का अंग दिखाया है, तुझे मैं बलि बजरंग कहूंगी। बलि बजरंग है तू तो? आहा आहा, कितना सुंदर नाम दिया है देवी अंजना आपने अपने पुत्र को, बजरंग बलि, हमारे बजरंग बलि। मैं अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। नहीं माता, पहले अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए। माता के लिए ममता से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं होती। मैं अभी आई। नित्य दिखाई देता है, कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए।
अरे ये बजरंग किस ओर जा रहे हैं? इनका लक्ष्य तो सूर्यदेव दिखते हैं। पुत्र बजरंग, पुत्र बजरंग, कहिए पिताश्री। ये प्रातःकाल किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? वो जो लाल लाल फल है ना, उसी को तोड़ने जा रहा हूँ। बड़ी भूख लगी है पिताश्री। बजरंग, बजरंग, देख मैं तेरे लिए फल लाई हूं। कहाँ है तू? बालको, तुमने बजरंग को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो उसे नहीं कैसा अंधकार है, आज तो सूर्य ग्रहण भी नहीं है। देवराज, सारी व्यवस्था हो गई है, केवल आपके निरीक्षण की आवश्यकता है। अचानक ये अंधकार कैसा? रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए। सारथी अरुण, क्या बात है? देवराज, एक वानर बालक ने सूर्य देव को निगल लिया है। क्या, ये क्या असंभव बात कह रहे हैं? यह साहस करने से पूर्व तो विधाता भी कई बार विचार करेंगे, और आप कह रहे हैं कि एक वानर बालक ने? मैं सत्य कह रहा हूं देवराज, उस वानर बालक ने सूर्य देव को इस प्रकार अपने मुख में रख लिया जैसे कोई शिशु मिष्ठान को। सारी सृष्टि में अंधकार का साम्राज्य हो गया है। देखता हूं कि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ करने वाला यह मायावी कौन है। कौन है रे मायावी? सूर्यदेव को मुक्त कर दे, अन्यथा। तू हंस रहा है? दारी सृष्टि में तेरे कारण अंधकार छा गया है, और निश्चय ही तू कोई राहु के समान मायावी राक्षस है। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। तू चाहे जो भी हो, मेरे वज्र के प्रहार से नहीं बच सकता। देवराज, इस
बालक ने तो मुझे संभलने का अवसर ही नहीं दिया। स्वामी, ये अचानक अंधकार का होना, फिर प्रकाश का आना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं। चिंता ना करो देवी, बालक है, कहीं निकल गया होगा? नहीं स्वामी, बहुत भूखा था वो, इन बच्चों ने आसपास सभी जगह देख लिया। बजरंग, बजरंग पुत्र, बजरंग, बजरंग मेरे लाल, क्या हुआ मेरे लाल को? ये तो मूर्छित है, अवश्य ही किसी राक्षस ने छल से इस पर प्रहार किया है। नहीं देवी, देवराज इंद्र ने यह कायरता दिखाई है, उन्होंने बजरंग के मुख पर वार किया है। स्वामी, स्वामी कुछ कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, इसी वैद्य को बुलाइए। नहीं देवी, आपके पुत्र ने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया था। सूर्य को मुक्त कराने के लिए इंद्र ने बजरंग के मुख पर वज्र से प्रहार किया, इसकी मूर्छा भी इंद्र के आने से ही समाप्त होगी। देवराज इंद्र, मेरे पुत्र को घायल करके यहां क्यों आने लगे भला? वो देवताओं के राजा और हम साधारण तुच्छ प्राणी। नहीं देवी, उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्होंने उस बालक को मूर्छित किया है जिस बालक ने पवन को पिता का सम्मान दिया है। मैं वायु का देवता पवन इसी समय से वायु का बहना बंद करता हूं। मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी सृष्टि को मैं शवों के ढेर में परिवर्तित कर दूंगा। श्वास तो देवता भी लेते हैं। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मेरे श्वास को रोक रहा है। देवराज, देवराज आपने ये क्या अनर्थ कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया देवराज? मैंने क्या किया है चित्ररथ? देवराज, आपने पवन पुत्र को अपने वज्र के आघात से मूर्छित कर दिया है। ओहो, तो वो पवन का पुत्र था, उसने तो सूर्य को ही निगल लिया था और सारी सृष्टि को अंधकारमय कर दिया था। जीवन के लिए प्रकाश भी उतना आवश्यक नहीं जितनी वायु आवश्यक है। पवन देव ने क्रोध में आकर वायु का बहना रोक दिया है देवराज, सारी सृष्टि में हाहाकार है। यदि पवन देव ने वायु को मुक्त नहीं किया तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी देवराज, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवराज, आपने उस बालक पर प्रहार करके भूल की है,
उस बालक को किसी भी फल का लालच देके आप सूर्यदेव को मुक्त करा सकते थे। यह भूल तो मुझसे हो गई। तो चलिए देवराज, हम सब जाकर पवनदेव से प्रार्थना करते हैं, अन्यथा प्रलय आने से पहले ही प्रलय हो जाएगी देवराज, प्रलय हो जाएगी। हाँ चलते हैं चित्ररथ, चलो। चलिए। पवनदेव, अभी तक देवराज नहीं आए। मेरे पुत्र का शरीर अब नीला पड़ने लगा है। यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो सारी सृष्टि मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। आपके लाल को कुछ नहीं होगा माता। देवी अंजना, मैं देवराज इंद्र, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपके पुत्र की चेतना लौटाता हूं। देव, मैंने अपनी भूल सुधार ली है, किंतु अब आप वायु का पुनः संचार करके इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। वो तो मैं कर ही दूंगा, किंतु आपने जिस प्रकार मेरे पुत्र के हनुभाग अर्थात ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया है, यह इस बालक की सुंदरता में वृद्धि करेगा। इसे आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा और मैं इसे अपने वज्र की शक्ति प्रदान करता हूं और इच्छा मृत्यु का वरदान भी देता हूं। धन्यवाद देवराज इंद्र, धन्यवाद। मैं अपने वायु का संचार करता हूं। देवाधिदेव, हनुमान जन्म कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। कितने नटखट, कितने चंचल थे हनुमान। इनकी चंचलता तो अब देखिए महादेवी, वे मेघनाथ को निकुंभा मंदिर से कैसे निकालते हैं। मेघनाथ को हो गया वर पाकर अभिमान, बदल गया भिशाप में पाया था वरदान। बचपन की छूटी नहीं चंचलता की बाण, मेघनाद से जूझने निकल पड़े हनुमान, निकल पड़े हनुमान।